तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉकर के बारे में कि डॉकर क्या होता है, डॉकर कंटेनर्स, डॉकर इमेजेस, डॉकर हब क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन्हें कैसे यूज़ में लिया जा सकता है, डॉकर और वर्चुअल मशीन में मेन डिफरेंस क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, जिससे आपके डॉकर से संबंधित काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डॉकर के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसका यूज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग में भी काफ़ी होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिव यूट्यूब चैनल। वैसे तो डॉकर और डॉकर कंटेनर का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, फिर भी मैं आपको कम समय में समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले समझते हैं कि डॉकर क्या होता है, व्हाट इज़ डॉकर। डॉकर गो लैंग्वेज में बना सॉफ्टवेयर है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन का ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेशन है जो कि कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। मतलब इसमें कंटेनर्स का यूज़ करके किसी एप्लीकेशंस, सर्विसेज, उनकी डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज को पैक करके किसी दूसरे एनवायरनमेंट पर आसानी से रन कराया जा सकता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि हमें डॉकर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपने सुना ही होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम यहाँ पर पहले समझते हैं कि डॉकर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक जटिल प्रक्रिया है। ये एक अच्छा कोड लिखने के अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स की, आर्किटेक्चर्स आदि की। अभी यहाँ पर परेशानी और बढ़ जाती है, आपको यहाँ पर डिसकंटिन्यूस इंटरफेसेस के बीच संघर्ष करना पड़ सकता है जब आप प्रत्येक लाइफ साइकिल स्टेज के लिए अलग अलग टूल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी के लिए जावा की जरूरत पड़ती है तो किसी के लिए पीएचपी की, किसी के लिए पाइथन, वेब सर्वर सेटअप करना पड़ता है, प्रॉक्सी सेटअप करनी पड़ती है, लोड बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो पूरी एप्लीकेशन बनाने के लिए कई तरह की प्रोसेस करनी पड़ती हैं, जिससे उस एप्लीकेशन को दूसरे कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पर डिप्लॉय और रन कराना काफ़ी जटिल हो जाता है। यानी ये एप्लीकेशन यदि आपको दूसरे सिस्टम पर सेटअप करनी पड़ जाए तो वही प्रक्रिया वापस से दोहरानी पड़ेगी। और यहाँ पर यह भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में सेटअप हो जाए और काम कर जाए, पर डॉकर की मदद से एप्लीकेशन बिल्डिंग, डेप्लॉय और शिपिंग को आसान बनाया जा सकता है। ये डेवलपर को फ्रीडम प्रदान करता है कि वो अपने अनुसार टूल, एप्लीकेशन स्टैक्स, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चूज़ कर सके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपने इंजन एक्स, नोड जेएस और मोंगो डीबी का यूज़ करके कोई वेब एप्लीकेशन बनाई है। अभी आपके सिस्टम पर परफेक्टली वर्क कर रही है क्योंकि आपने इसके लिए सभी ज़रूरी डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल और कॉन्फिगर किया हुआ है। अब यहाँ पर अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज और बाइनरीज की जरूरत पड़ती है, वो सब आपके सिस्टम पर सेटअप है। और यहाँ पर ओएस भी आपकी चॉइस का है। अब मान लीजिए आप इस एप्लीकेशन को अपने किसी क्लाइंट या किसी दूसरे को देते हैं डेप्लॉय और रन कराने के लिए, तो आपको यहाँ पर पूरी इंस्टॉलेशन और सेटअप प्रोसेस भी देनी होगी ताकि वो इसको अपने सिस्टम पर कॉन्फिगर कर पाए। फिर यहाँ पर उसको सेटअप करने में उतना ही टाइम लगेगा या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और हो सकता है कि जो एप्लीकेशन आपके सिस्टम पर सही काम कर रही हो वो किसी दूसरे सिस्टम या एनवायरनमेंट पर ठीक उसी तरह से वर्क ना करे। अब यदि आपने एप्लीकेशन को किसी दूसरे एनवायरनमेंट पर सेटअप भी कर दिया है तो फिर उसमें कोई चेंजेस करना हो या उसको अपडेट करना हो तो फिर उसमें इशू आ सकता है। तो फिर यहाँ पर एप्लीकेशन बिल्डिंग, डेवलपिंग और शिपिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे कि आपने कई बार मेरे वीडियोस में देखा होगा कि जब हम कोई गिटहब से टूल डाउनलोड करते हैं तो उस टूल को रन कराने से पहले हमें उसके लिए सभी ज़रूरी पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उनको कॉन्फिगर करना पड़ता है ताकि वो एप्लीकेशन सही से काम कर सके। और कई बार इसमें भी एरर आ जाता है क्योंकि हो सकता है हमने कोई उसकी लाइब्रेरीज़ या डिपेंडेंसीज़ का कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल कर लिया हो जो कि वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती, या हम यहाँ पर कोई दूसरा ओएस यूज़ कर रहे हों। तो इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डॉकर। यहाँ पर इनके अलग अलग कंटेनर्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर डॉकर प्रत्येक कंटेनर को सेपरेट रन करा सकता है उसकी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज के साथ। एक बार डॉकर कॉन्फिगरेशन बिल्ड होने के बाद इसको डॉकर रन कमांड के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने कई बार गिटहब पर टूल के डॉकर कंटेनर का सेटअप देखा होगा, जिससे कि उस कंटेनर के द्वारा उस टूल को बिना एरर के रन कराया जा सकता है किसी दूसरे सिस्टम पर। अभी समझते हैं कि कंटेनर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने ये मेरा वीडियो देखा होगा, इसमें मैंने लिनक्स कंटेनर के बारे में बताया था, एलएक्सी, एलएक्सडी आदि के बारे में। इसमें मैंने उबंटू पर काले लिनक्स को रन करना बताया था लिनक्स कंटेनर के द्वारा। कंटेनर्स एक पूरी तरह से आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होते हैं जो कि लॉजिकल पैकेजिंग मैकेनिज्म ऑफर करते हैं। कंटेनर उस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए वो सारी ज़रूरी चीज़ें जैसे कि बाइनरीज, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज और कॉन्फ़िगरेशन का पैकेज होता है, जिसमें कंटेनर के खुद के प्रोसेस, सर्विसेज, नेटवर्क इंटरफेस आदि होते हैं जो भी उस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं, जिससे उस एप्लीकेशन को एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट पर डॉकर इंजन की मदद से आसानी से, क्विकली और रिलायबली रन कराया जा सकता है। डॉकर कंटेनर किसी एप्लीकेशन या सर्विस के ही नहीं बल्कि पूरी ओएस के कंटेनर भी होते हैं,
जैसे कि Ubuntu कंटेनर, CentOS कंटेनर, Kali Linux कंटेनर, जिसे आप अपने होस्ट मशीन पर रन कराकर उस OS का यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे कंटेनर एक दूसरे से अलग रहते हैं जब तक कि आप इनको लिंक ना करें। तो डॉकर कंटेनर सिक्योर भी होते हैं और ये लाइट वेट भी होते हैं। इनका साइज़ ज़्यादातर MB के अंदर ही होता है। कंटेनर का फ़ायदा ये भी होता है कि इनको अपडेट करना, इनको रिप्लेस करना भी काफ़ी आसान है। जैसे कि आपने कोई ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बनाई है, अब यदि उसके कोई पार्ट या मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका इफेक्ट पूरी एप्लीकेशन पर पड़ेगा। हो सकता है कि वो एप्लीकेशन वर्क ना करे, पर आप यहाँ पर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन के मॉड्यूल्स को अलग अलग कंटेनर में सेटअप कर सकते हैं। कंटेनर्स की मदद से लोड बैलेंसिंग को भी आसानी से सेटअप किया जा सकता है। तो यदि किसी कंटेनर में फॉल्ट होता है तो उस कंटेनर से संबंधित पार्ट फेल होगा, यहाँ पर पूरी एप्लीकेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उस कंटेनर को आसानी से रिप्लेस या अपडेट किया जा सकता है। यहाँ पर डॉकर कंटेनर के कई फायदे हैं। जो एप्लीकेशन आपके सिस्टम पर जैसे काम कर रही है, वो एप्लीकेशन दूसरे सिस्टम पर भी ठीक वैसे ही काम करेगी, क्योंकि उस एप्लीकेशन को कंटेनर के अंदर उसके अनुकूल पूरा एनवायरनमेंट मिलता है जो उस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जरूरी होता है। डॉकर उस एप्लीकेशन के लिए सारी जरूरी बाइनरीज, डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज को आपके सिस्टम से लेकर कंटेनर के रूप में पैक कर देता है, ताकि उस एप्लीकेशन को उसी रूप में किसी दूसरे सिस्टम पर रन कराया जा सके। आप समझते हैं कि डॉकर काम कैसे करता है। जैसे कि आप अलग अलग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, Ubuntu, Kali Linux, CentOS, Arch Linux आदि, ये सभी OS लिनक्स कर्नेल का यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि कॉमन होता है। बस हमें यहाँ पर अलग अलग OS पर अलग अलग सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस, यूज़र इंटरफेस आदि मिलते हैं जो कि उस OS को अलग बनाते हैं। तो यहाँ पर डॉकर होस्ट मशीन के कर्नेल शेयरिंग पर चलता है। ये होस्ट मशीन के कर्नेल के फीचर्स का यूज़ करता है, जैसे कि CG ग्रुप, नेम स्पेस आदि। जैसे कि मान लीजिए आपका होस्ट OS Ubuntu है और आपने यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है। अभी आप यहाँ पर डॉकर पर कोई दूसरा लिनक्स OS इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि Kali Linux, Fedora, CentOS, और इनका साइज़ भी यहाँ पर काफ़ी कम होगा। ये आपके सिस्टम की रिसोर्सेज का भी काफ़ी कम यूज़ करते हैं। वर्चुअल मशीन के केस में हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट OS इंस्टॉल रहता है। इसके ऊपर हाइपरवाइजर का यूज़ करके वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया जाता है। अब हर एक वर्चुअल मशीन का अपना पूरा गेस्ट OS होता है, उस पर एप्लीकेशन और उसकी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज इंस्टॉल रहती हैं। यानी यहाँ पर किसी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए पूरा OS इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको कि हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर आदि एलोकेट करनी पड़ेंगी। अब यदि यहाँ पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन रन हो रही हैं तो सभी के लिए अलग अलग सिस्टम की रिसोर्सेज एलोकेट करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। पर डॉकर के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए पूरा OS इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि यहाँ पर इनका साइज़ काफ़ी कम होता है, जबकि वर्चुअल मशीन का साइज़ ज़्यादा होता है। ये ज़्यादातर GB के अंदर ही होता है। डॉकर कंटेनर क्विकली काम करते हैं, ये किसी एप्लीकेशन या OS को क्विकली रन करा सकते हैं, पर वर्चुअल मशीन में आपको पहले पूरा OS बूट कराना होगा, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन या OS का यूज़ कर पाएंगे। पर यहाँ पर डॉकर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि आप लिनक्स होस्ट मशीन पर विंडोज़ OS को रन नहीं करा सकते, क्योंकि विंडोज़ OS लिनक्स के कर्नेल पर रन नहीं होता, पर वर्चुअल मशीन में ये काम कर सकते हैं। आप लिनक्स OS पर विंडोज़ OS को रन करा सकते हैं। दूसरा, वर्चुअल मशीन होस्ट मशीन से आइसोलेटेड रहती है, जबकि डॉकर लेस आइसोलेटेड होता है, क्योंकि ये होस्ट मशीन के कर्नेल शेयरिंग पर चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये होस्ट मशीन से लिंक रहता है। पर यहाँ पर वर्चुअल मशीन और डॉकर को एक साथ यूज़ लिया जा सकता है, जिससे एप्लीकेशन को डिप्लॉय और मैनेज करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप समझते हैं कि डॉकर इमेज क्या होती है। डॉकर इमेज एक तरह से रीड ओनली टेम्पलेट होता है। ये लेयर्स का सेट होता है जिसमें कंटेनर को क्रिएट करने के निर्देश रहते हैं। एक डॉकर इमेज में कई रनिंग कंटेनर हो सकते हैं। आप इसे डॉकर कंटेनर का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। आप इस डॉकर इमेज को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या इसको डॉकर हब पर अपलोड कर सकते हैं। अभी समझते हैं कि डॉकर हब या डॉकर स्टोर क्या होता है। जैसे कि आप GitHub का यूज़ करते हैं, यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट रिपोजिटरीज मिलती हैं, जिससे आप यहाँ पर टूल या एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पर क्लोन कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही डॉकर इमेजेस के लिए डॉकर हब होता है। डॉकर हब एक तरह से डॉकर इमेजेस के लिए क्लाउड होस्ट सर्विस है। यहाँ पर डॉकर इमेज को अपलोड कर सकते हैं, उन्हें फाइंड कर सकते हैं, आप इन डॉकर इमेज को पुल करके अपने सिस्टम पर रन करा सकते हैं। यहाँ पर कई सारी डॉकर इमेज मौजूद हैं, ये देखिए, आप यहाँ से इन्हें अपने सिस्टम पर पुल कराकर इनका यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। आप यहाँ पर OS, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशंस, डाटाबेसेस, डेवलपमेंट टूल्स आदि को
अलग अलग आर्किटेक्चर के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पर कोई भी इमेज को अपलोड कर सकता है। तो आपको यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखना है कि जहाँ तक हो सके आप यहाँ पर सर्टिफाइड ऑफिशियल इमेजेस या वेरीफाइड पब्लिशर की इमेजेस ही यूज़ करें, आप इन्हीं को यहाँ पर डाउनलोड करें। आप इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा रहता है कि कौन सी ऑफिशियल इमेज है, कौन सी वेरीफाइड पब्लिशर की इमेज है। यह आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है कि वो कोई मैलिशियस इमेज हो जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। अभी बात करते हैं कि हम इन इमेजेस को अपने सिस्टम पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको अपने सिस्टम पर डॉकर इंजन को इंस्टॉल करना होगा। डॉकर इंजन आपको अलग अलग ओएस के लिए डॉकर हब से ही मिल जाएगा। ये देखिए यह डॉकर कम्युनिटी एडिशन है और ये इंटरप्राइज एडिशन है। इंटरप्राइज एडिशन कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए है, ये यहाँ पर पेड है, जबकि कम्युनिटी एडिशन फ्री है। आप यहां से विंडोज़, मैक, लिनक्स और AWS के लिए डॉकर इंजन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप डॉकर का यूज़ अपने सिस्टम पर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको डॉकर के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। ये वीडियो केवल आपको डॉकर टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए था, इसकी बेसिक जानकारी देने के लिए था। अभी आप यहाँ पर प्रैक्टिकल्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।